ओके तो प्रीवियस क्लास में हम क्योंकि आई थिंक अरुण सर एंड निखिल वर देयर इन द प्रीवियस क्लास आल्सो ओके एंड वी वर स्टडिंग सपोर्ट वेक्टर मशीन और जैसा कि मैं आपको बता रहा था बड़ी धमाकेदार एल्गोरिदम है ये और धमाकेदार बोले तो क्यों क्योंकि ऐसा है कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों कर लेगी ओके एंड अभी तो खैर अपन क्लासिफिकेशन को फोकस कर रहे थे ठीक और ये समझाया आपको कि देखिए आप क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो क्लास ए को क्लास बी से सेपरेट करने की बात कर रहे हो तो आप यहाँ पर डिसीजन बाउंड्री बना रहे हो ठीक है इसी को आप हाइपर प्लेन बोल देते हो ठीक एंड आप ये कह रहे हो कि देखिए भाई ये क्लास ए की बाउंड्री ये क्लास बी की बाउंड्री और इन बाउंड्री पे जो पॉइंट होते हैं हम उनको सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं बाकी पीछे जो भी पॉइंट हो उनका कोई अपन को दिक्कत नहीं है ठीक है जो बाउंड्री पे होते हैं बस वो सपोर्ट वेक्टर है रेस्ट जो भी है ठीक है कोई इशू नहीं ठीक तो आपको मैंने बताया कि जो इक्वेशन है डिसीजन बाउंड्री की वो लिखते हो आप डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो यहाँ इसकी इक्वेशन लिखोगे अच्छा आपने ये भी कहा था जो डिसीजन बाउंड्री के ऊपर वो पॉजिटिव जो डिसीजन बाउंड्री के नीचे वो नेगेटिव ठीक है ये भी आपने पढ़ा था ठीक है हम एक रेफरेंस तो बनाते ही हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग ठीक एंड देन फिर ये हुआ इक्वेशन इसकी डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो है इसकी इक्वेशन हो गई डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वन ठीक है दैट मीन्स आप ये कहते हैं इक्वल टू माइनस वन इसकी इक्वेशन जो है इक्वल टू माइनस वन और ऊपर वाले की डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू प्लस वन ये इसकी इक्वेशन है तो ऐसे इक्वेशंस हैं इसकी अभी हमने मैं इसको कैसे आई है ये भी बताऊंगा आपको ठीक है इतना तक मैंने बता दिया था फिर यहाँ आपने सॉफ्ट मार्जिन और हार्ड मार्जिन भी पढ़े थे ठीक है और बड़ा जो है आपको आराम से समझाया था कि मार्जिन तो जो होती है वो विड्थ होती है ये मार्जिन होती है ओके और मेरे को ऑप्टिमल मार्जिन होने का ठीक है दैट मीन्स मेरी जो डिसीजन बाउंड्री है वो क्लास और क्लास बी से समांतर दूरी पर हो ऐसा मुझे मानना है ऐसी मुझे डिसीजन बाउंड्री निकालनी है तो मार्जिन मेरे को बड़ी चाहिए अब यदि लीनियरली सेपरेबल डेटा है मैंने आपको सेपरेबिलिटी भी बताई थी यदि लीनियरली सेपरेबल है तो हार्ड मार्जिन बन जाएगी और यदि लीनियर सेपरेबल नहीं है तो भाई फिर तो सॉफ्ट मार्जिन बनेगी और आपने देखा था कि ये जो SVM है क्यों बोला मैंने तकड़ी एल्गोरिदम है क्योंकि ये कर्नल ट्रिक लगाता है ठीक है यानी ये ट्रांसफॉर्म करेगा डेटा को ठीक है लो डायमेंशन से हाई डायमेंशन पे ठीक है दैट्स व्हाट इट विल डू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑलराइट एंड देन What is the next approach? It transform कर देगा classification हो जाएगा then ठीक है आपको result मिल गया लेकिन क्या maths लगी है पूरी और kernel trick के बारे में थोड़ा सा और हम आपको वैसे बता चुके हैं कि कई type की होती हैं ठीक है क्योंकि यदि non linear separable है data तो आप पॉलीनोमल ट्रिक भी लगा सकते हो ये भी आपने एक एग्जाम्पल देखा था ठीक है आपको यहाँ पर मैंने बताया है ठीक है आप यहाँ आइए ये आपने एग्जाम्पल देखा था यहाँ पर पॉलीनोमल कर्नल ट्रिक लगी ठीक है तो 1D से 2D में ट्रांसफॉर्म हो गया एंड देन यहाँ पर RBF लगी है
ठीक है, यहां पर आरबीएफ लगी है, ऑल राइट। तो भाई बात यह है कि अलग अलग कर्नल ट्रिक हम लगाते हैं, लगा सकते हैं, एंड जिस पर हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, जिस पर हमें गुड रिजल्ट मिल रहा है, हम उसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन नाउ। ओके, दिस इज द एंटायर स्क्रीन। ओके, एंड जो है मैं आपको बता रहा था कि कर्नल ट्रिक आपने यहां पर जो लगाई, ओके द गुड प्रॉम्प्ट कि सर आप बता दीजिए, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। ठीक है, यहां पर जो कर्नल ट्रिक लगाई है आपने इस केस में, ये आरबीएफ है। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव अप्लाइड। तो क्या हो गया कि आरबीएफ में इस तरीके का आपको जो है वो स्ट्रक्चर मिलता है। पॉलिनोमियल में अभी आपने ऊपर लगाई, ये देखा, ठीक है, तो आपको एक 2D कर्व ऐसा कुछ मिला एंड उसने सेपरेट कर दिया। यहाँ से आप आरबीएफ लगाओगे तो ये भी सेपरेट कर देगा, यहाँ से एक हाइपरप्लेन बना के, क्योंकि वो 3D है तो 2D हाइपरप्लेन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ओके, दिस इज ऑल वी कैन डू वर्क। ओके, अब ये आप देखेंगे नीचे कि पॉलिनोमियल कर्नल भी है, रेडियल बायस भी है, सिग्मोइड फंक्शन भी एक होता है आपका कर्नल ट्रिक, और लीनियर कर्नल ट्रिक तो सबसे इजी है, ठीक है, जो एक लाइन से सेपरेट कर दे। तो ये लाइन का, ये पॉलिनोमियल का, ये 3D पॉलिनोमियल का, ये रेडियल बेसिस का, और ये सिग्मोइड का जो है, मतलब डिपेंड कर रहा है डेटा किस तरीके से आपके पास प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यदि लीनियरली सेपरेबल होगा, ठीक है, तो लीनियर ट्रिक से वो सॉल्व हो जाएगा, ओके, विल गेट द रिजल्ट। यदि इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पॉलिनोमियल में ट्रिक लगा दूंगा तो उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यदि इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मैं पॉली इक्वल टू 3 कर दूंगा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर के अंदर आपको कर्नल इक्वल टू लिखना पड़ेगा। कर्नल कौन सा ले रहे हो, पॉली, आप पॉली कर्नल ले रहे हो, वो भी डिग्री 3 का। तो आपको अभी पता नहीं है ऐसा कि मेरे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा क्या है एग्जैक्टली। हाँ, कुछ तो आप विजुअलाइजेशंस बना बना के देख लोगे, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सकती है आपको, लेकिन फिर भी यदि आप अटक रहे हो, ठीक है, तो पहले तो हमने लीनियर लगा के देखा, मान के चलो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, क्या जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हो जिसमें 2, 0 और 1 दो वैल्यूज हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हो। तो आपने बोला कि हम लीनियर से या लाइन से क्लासिफाई करते हैं, कर सकते हैं, ऐसा आपने बोला, ठीक है, कर सकते हैं। ये लगाया, मान लो स्कोर अच्छा नहीं आया तो फिर आप कर्नल चेंज कर दोगे और बोलोगे कि आप कर्नल इक्वल टू आरबीएफ, ऐसा बोल दोगे, कर्नल इक्वल टू आरबीएफ, और मैंने रेडियल बायस रख दिया, ये वाले कर्नल को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। यदि ऐसा भी नहीं हुआ तो फिर आप अनदर जो है वो कर्नल को चेंज करोगे, ठीक है, ये देखोगे कि भाई नेक्स्ट क्या है, दूसरा लगा के देखते हैं, पॉलीनोमियल लगा के देखते हैं, कहीं उससे तो नहीं हो रहा, तो कर्नल इक्वल टू पॉली ये लगा के देखोगे। अब वो करेगा, देखेगा 2 लगा दूं, 3 डिग्री लगा दूं, कौन से डिग्री का मुझे लगाना है वो लगा के देखेगा, ठीक है, एंड देन इट विल, ठीक है, ये देखेगा, और जिस पे अच्छा रिजल्ट आ जाए वो फाइनल हो जाएगा कि इस कर्नल पे मुझे अच्छा रिजल्ट आ रहा है लगाने पर। ओके, तो ये तो आपको ऑप्शन दिए हैं, बताया गया कि इतने टाइप के कर्नल होते हैं, आप कोई सी भी ट्रिक लगा के देखो, ये उनके फॉर्मूले होते हैं। यदि लीनियर होगा तो कुछ इस प्रकार से उसका फॉर्मूला है, एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई। यदि पॉलिनोमियल होगा तो भाई मैं इसी को एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई प्लस 1 की पावर डिग्री में 2 या 3 ले लूंगा, ऐसा कुछ कर लूंगा। और यदि आरबीएफ है, रेडियल बेसिस है,
तो रेडियल बेसिस का गॉसियन वाला फॉर्मूला होता है, e की पावर एक्स स्क्वायर, मतलब ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है रेडियल बेसिस का। ठीक है, तो मैं जो भी है फॉर्मूला तो ये यूज़ करता है, ये अपने मैथ्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड जो है यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। ऑल राइट, ये कर सकते हैं। तो ठीक, ये कर्नल ट्रिक जो है उसका डिस्क्रिप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक पैरामीटर और होता है यहां पर जिसको मैं सी बोलता हूं, ये रेगुलराइजेशन पैरामीटर होता है। ठीक है, रेगुलराइजेशन के बारे में आपसे लीनियर रिग्रेशन में मेरी चर्चा हुई है, वहां पर आपने L1 एंड L2 दो रेगुलराइजेशन देखे हैं, लेसो और रिज वाले आपने देखा था, और ये दोनों पेनल्टी होते हैं। ठीक है, यानी कि यदि मेरा मॉडल ओवरफिटिंग की तरफ जाता है तो मैं उस पर पेनल्टी लगाऊंगा और बोलूंगा देख भाई तू ओवरफिटिंग कर रहा है एंड जो है आई एम नॉट गोइंग टू अफोर्ड इट, तो आप पे पेनल्टी लगेगी। और ओवरफिटिंग की स्थिति भी आप जानते हो कब और कैसी क्या होती है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि मॉडल ट्रेनिंग पर तो बहुत अच्छा स्कोर दे रहा है लेकिन टेस्टिंग पर मॉडल फेल हो रहा है, दैट इज ओवरफिटिंग इशू। तो ट्रेनिंग में आपने डेटा ऐसा दिया जैसे हार्ड मार्जिन वाली स्थिति बन रही थी। हार्ड मार्जिन में क्या हो रहा था कि भाई डेटा मेरा लीनियरली सेपरेबल था, मतलब एक लाइन से मैं ए को और बी को कंप्लीटली सेपरेट कर दूं। ठीक है, ये था। ऑलराइट, तो भाई ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि हार्ड मार्जिन बन रही है और मेरा डेटा लीनियरली सेपरेबल है, तो भाई ओवर फिटिंग के चांसेस बढ़ गए। ठीक, तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप पेनल्टी लगाइए। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन डू। तो सी एक रेगुलेशन पैरामीटर है, ये हम लगाते हैं जब कभी ऐसा होता है कि आप मार्जिन बढ़ा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो, यानी ये आपका क्लासिफिकेशन करने का है, आप मार्जिन बढ़ा रहे हो। ठीक है, क्योंकि गोल आपका यही है कि भाई मैं ए और बी से जितनी ज्यादा से ज्यादा दूरी पर हो सकूं उतना मेरे को अच्छा है, तो आप मार्जिन बढ़ा रहे हो। ठीक है, ये काम कर रहे हो आप। एंड देन मान लो मार्जिन बढ़ाने के चक्कर में कई ए के पॉइंट्स इसके अंदर आ गए और कई बी के पॉइंट्स भी इसके अंदर आ गए, हो सकता है कुछ पॉइंट्स क्रॉस ओवर कर गए, ए वाले उधर चले गए बी वाले इधर आ गए, तो ऐसा है मिसक्लासिफिकेशन हुआ। हेलो, क्लियर वॉइस? हेलो हेलो, सर आवाज नहीं आ रहा सर आपका। हाँ सर, हाँ